दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पैसे के सात रूल बताने वाला हूं। अगर आप इन रूल्स को पूरा करते हो तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में काफी बड़ा बदलाव आएगा और डेफिनेटली आप फाइनेंशियली काफी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ, एक रूल बताने वाला हूँ, गोल्डन रूल। दोस्तों, पैसे कमाने का जो सबसे सही समय है वो आज है, अभी है, क्योंकि आज आपके पास व्यवस्था सही है, लोग सही हैं, इन्वायरमेंट सही है, एजुकेशन सही है, तो रिसोर्सेज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको विश्वास करना है, शुरुआत करनी है, एक छोटी सी शुरुआत करनी है, लेकिन दोस्तों एक दृढ़ता के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करनी है। आइए बात करते हैं पैसे के पहले नियम के बारे में, जो कि है दोस्तों, आप जितना भी कमाते हैं उससे ज़्यादा कभी खर्च ना करें। अगर दोस्तों आपकी अर्निंग कम है और ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप उसे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो दोस्तों आप कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। द रिचेस्ट मैन इन द बाइबलोन बुक में कहा गया है, जितना भी आप अर्न करते हैं उसमें दोस्तों 10 या 20% हमेशा सेव कीजिए, और दोस्तों आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हो या फिर दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे मैं पैसे का नियम बताने वाला हूँ, जो कि है दोस्तों सेव फॉर फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर के लिए सेव करना सीखें, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आप सेव करना सीखें। कोई भी आपके हेल्थ के इशू हो सकते हैं, फैमिलीज के इशू हो सकते हैं, या फिर दोस्तों फ्यूचर में कोई भी चीज़ आप बाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपके पास एक फ्यूचर सेविंग होनी चाहिए। कभी भी दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम में आप घिर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको बाई या सेल करनी पड़ सकती है। दोस्तों फ्यूचर में कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम पड़ने पे वो सेविंग आपके काम आए। दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन रूल इसमें आता है कि कोई भी ऐसी चीज़ पे आप पैसा स्पेंड ना करें जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। अगर आप उन चीज़ों को लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों पे कभी भी पैसा बर्बाद ना करें। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा नियम जो मैंने सीखा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेना चाहते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको लग रही है, क्या वो एक हफ्ते बाद भी आपको इम्पोर्टेंट लग रही है कि ये चीज़ लेनी चाहिए, या फिर एक मंथ के बाद भी लग रही है कि हाँ यार ये चीज़ अभी भी इम्पोर्टेंट है, या फिर आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं 3 मंथ या 6 मंथ, क्या आज भी ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी 6 महीने पहले थी? अगर है तो उसे बाई कीजिए, अगर नहीं है तो उसे आप मत बाई कीजिए। नेक्स्ट गोल्डन रूल है दोस्तों, आप पता कीजिए कि आपके एक्सपेंसेस जा कहाँ रहे हैं। आपका जो भी खर्चा है, जहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हैं, खाने में, शॉपिंग में, अदर चीज़ों में, घूमने फिरने में, ट्रैवलिंग में, या फिर कोई भी अपने काम से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें आप ले रहे हैं, तो आपका पैसा वहाँ पे कहाँ पे जा रहा है? तो शायद आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही ना हो, या फिर दोस्तों आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ना कभी है ना होगी। दोस्तों आप हमेशा ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, एटलीस्ट अपनी जो अपनी कमाई का आप 40% ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको ROI मिले। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, आप जितना वहाँ पे लगा रहे हैं उससे आपको कई गुना ज़्यादा वापस वहाँ से पैसा मिले। तो दोस्तों यही है नेक्स्ट रूल, कि आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपने अपना पैसा लगाना है। अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आपने पैसा अपना लगाना है, तो डेफिनेटली आपका पैसा ऐसी जगहों पे लग जाएगा जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते या इमेजिन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं की होगी। लेकिन प्लान करके ऐसी चीज़ों पे लगाएं जहाँ पे आपकी सेविंग हो रही हो, इन्वेस्टमेंट हो रही हो, या फिर अपनी हेल्थ पे, नॉलेज पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों कई बार बैंक में क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, आप पासबुक ले लो, आप चेकबुक ले लो, आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। कई बार आपका गूगल पे, फ़ोन पे काम नहीं कर रहा होता तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं, तो आपके जो जहाँ पे खर्चा आपका हो रहा है उन सोर्सेज को आप कम करें। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो कुछ ही अकाउंट रखें, अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड हैं तो कुछ ही कार्ड को रखें, अपने साथ हमेशा अपनी चेकबुक को लेके ना चलें, या फिर आपने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो उन अकाउंट्स को मैनेज करें, या फिर आपने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मान लीजिए आपने अमेज़ोन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, या फिर आपने नेटफ्लिक्स की ली हुई है, किसी भी अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो डेफिनेटली वो कंपाउंडिंग आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है, तो इन खर्चों से आप बचें। लास्ट गोल्डन रूल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, वो है दोस्तों कभी भी उधार लेने से बचें। बैंक आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर देता है, हर कोई बैंक देता है। अगर दोस्तों आप कहीं पे कर्जा लेके कहीं पे एक्सपेंसिव कर रहे हो, फालतू में उड़ा रहे हो, तो डेफिनेटली वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है।
बहुत सारे लोग इस उलझन में भी होते हैं कि हमें कर्जा लेना है और अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना है, या फिर उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं जहाँ से उन्हें अच्छा रिटर्न आ रहा हो और उस कर्जे को वहाँ पे डाल के और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और साथ साथ में अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और अपने कर्जे को भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ पैसे के नियम। आपका कौन सा गोल्डन रूल है जिसे आपने अप्लाई किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट आया है, या फिर किसी ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी थी, उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप अपना सुझाव अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं आपके साथ फिर किसी गोल्डन वीडियो के साथ, गोल्डन रूल्स के साथ। मुझे दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।